हेलो दोस्तों, आपका टेक्निकल साथी मनीष इन्फोटेक। आज हम बात करेंगे डिस्क को पार्टीशन कैसे किया जाए। जैसा जैसे ही न्यू पीसी हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं या परचेज करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में हमारे पीसी की तरह एक ही पार्टीशन, एक ही ड्राइव होता है। तो इसको हम जानेंगे पहले कैसे इसको पार्टीशन किया जाए और कैसे पार्टीशन सही तरीका होता है। इसको सबसे पहले हम इस माई कंप्यूटर को खोल लेंगे, यानी डिस्क पीसी को ओपन कर लेंगे और उसको ओपन करके मैनेज ऑप्शन को ओपन करेंगे। जैसे ही मैनेज करेंगे तो इस तरह से डिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम खुलेगा। डिस्क मैनेजमेंट है ना, कंप्यूटर मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसमें डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन है। कंप्यूटर मैनेजमेंट का पूरा विंडोज प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो हमारा SSD ड्राइव या हार्ड ड्राइव जो भी हो, ये देखिए 256 GB का SSD ड्राइव है, जिसमें 338 GB शो कर रहा है और बाकी सब अपना फाइल हो जाता है। अब इसको पार्टीशन करने के लिए सबसे आसान तरीका, इस पर सी ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे और श्रिंक वैल्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही श्रिंक करेंगे तो हमारा सिस्टम लोड होने लगेगा कि कितना GB स्टोरेज यूज हुआ है, कितना फ्री है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे ही वेट हो जाएगा तो ये हमारे ऊपर में लिखा है टोटल बी4 मेमोरी कितना है, तो दिखा रहा है 2436 35, यानी 2,48,635, यानी 256 GB का स्टोरेज है। और ये आपका इतना स्पेशल खाली मेमोरी है और इतना स्टोरेज है। अभी ये जो दिखा रहा है 32, यानी 32,587, इतना ये 32 GB आपका विंडोज फाइल इंस्टॉल है। अब हमको कितना पार्टीशन करना है, तो ये अगर ये आपका 256 GB का SSD कार्ड है तो हम 100 GB का छोड़ देंगे आपका विंडोज ड्राइव। जैसे 100 GB का छोड़ेंगे तो ये आपका देखिए 140 है ना, 14 लाख कैपेसिटी के लिए। तो हमने लोग 100 GB का अब ये सी रह गया और बाकी 140 GB का आपका डी ड्राइव हो गया। इस तरह से आ गया 140 में हमने किया था, 136 दिखाएगा ये। इसको भी हम लोग दो पार्टीशन कर लेंगे। 13 दिखा रहा है यहाँ पर, 13 को काट के यहाँ 6 डाल देंगे, है ना, 7 6 है ना, तो ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये डी ड्राइव हो जाएगा 70 GB के आसपास। तो 68 GB बचेगा और 68 GB, और ये बचेगा न्यू डिवाइस, इसको भी हम लोग 68 GB में नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ये फिनिश करेंगे तो ये अब देखिए हमारा सी और डी और ई तीनों दिखाने लगा, जो दो वैल्यू न्यू है हमारा। इसको क्लोज करेंगे और माई कंप्यूटर खोलेंगे, यानी डिस्क पीसी खोलेंगे, तो अब हम देखेंगे कि 100 GB का सी ड्राइव है और 70 GB का डी और ई ड्राइव है। इस तरह से हम अपना सिस्टम को पार्टीशन कर सकते हैं।